आज हम 1040 लेके पहुँचे हैं कराची यूनिवर्सिटी, तो हमें ये बताएंगी मिस के क्या हमें 1000 रुपये में मिल सकता है यहाँ पे। लेट्स ट्राई कि हम पेट भर सकते हैं या नहीं 1000 रुपये में। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम जानते हैं हमें गए हैं, बहुत मुश्किल है। लेट्स ट्राई कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ से हम बिल्कुल 1000 रुपये की जो है ना खा पी सकते हैं। ओके जी, तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। छोड़ो। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मौजूद हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आपने थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हैं कि आज कराची यूनिवर्सिटी में हम जो है ना व्लॉग बनाएंगे, और आज वैलेंटाइन डे पे हम पहुँच चुके हैं। तो आज हम लोग आए हैं कपल ताड़ने, क्योंकि सिंगल लोग तो ये काम करते हैं और क्या करते हैं। खैर, ये हमारा सीन नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं। तो आज आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो आज जो हमारी फर्स्ट कैंटीन है वो मैंने अम्मी के साथ इंजॉय करेंगे, RC कैंटीन। तो उसके अलावा दूसरी जगह भी चलेंगे रेस्ट ही। यहाँ पे हमें 1000 रुपये के चैलेंज में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या हम इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आप, मैं एक और से मिलवाती हूँ, मेरी जो मदद करेंगी कराची यूनिवर्सिटी में वो यहाँ की स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो बेहतर जानती हैं। मैं चाहती थी पढ़ना पर पढ़ नहीं पाई, तो अभी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो ये रही जो मेरी हेल्प करेंगी। हाय, कैसी हैं आप? किसी के साथ छोपर लगाया हुआ, इसको क्या कहते हैं ऊपर? वो वाओ, हर हेयर इज़ सो क्यूट। चलो, तो आज आप हमें कैंटीन का सफ़र करवाएंगी कराची यूनिवर्सिटी की, डिफरेंट यस वी ट्राइड। ओके, तो ये यहाँ पे जाके बैठेंगे हम लोग। ये इनकी कैंटीन है। ये इससे मैंने लिपस्टिक लेके लगाई है, पता नहीं कड़वी कड़वी क्यों है। बाम है ना? बाम है, मेडिकेटेड बाम है। डॉक्टर बनी नहीं मेडिसिन का, पहले टेस्ट दे रही है ये दवाइयों का। लिपस्टिक लिपस्टिक में मेडिसिन का टेस्ट डाल करके दे रही है। जो यहाँ का कुछ स्पेशल लगा नहीं, कुछ खास लगा नहीं, मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया। अब हम चलते हैं दूसरी कैंटीन की तरफ और देखते हैं वहाँ पे हम लोग क्या खा पी सकते हैं जो अच्छा भी लगे और 1000 रुपये में हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकें। जी, इधर बैठे तो वे आ जा तो रहे, अभी तो शोधे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। ये कहिए कि हम सेकंड डिपार्टमेंट जा रहे हैं जो कि आर्ट की साइड पर, यहाँ की कैंटीन को ट्राई करते हैं। लोग अपने में लगे हुए जा रहे हैं। कपल हमें एक भी नहीं दिखा है, इधर नहीं होते, इधर कपल यहाँ कपल से होते हैं। ये कैंटीन की तरफ रवाना है। तो ये कैंटीन है जहाँ पे इसने मुझे बोला सही प्राइसेस में मिल जाएंगी चीज़ें, और 180 में पता नहीं क्या दिख रहा चलता। तो हम पहुँच चुके हैं कैंटीन पे। लेट मी शो यू द बैक साइड, कौन सा वाला मुझे, चटनी रोल लेना है, कौन सा लेना, हमारा रोल लेना है, चटनी। चले, 100 रुपये हम यहाँ पे वेस्ट करते हैं, हमारे पास 900 बैठे। चाट रेडी हो रही है हमारी। ये मेरी कैमरा वैन ना इतनी मेहनत कर रही है, मेरी वीडियो बनाने में बस इसको हायर करने वाली हूँ, जैसे मेरी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है फिर हम मिलकर काम किया करेंगे। ठीक है, सही है ना, मिलकर काम करेंगे। तो काफ़ी इसके जानने वाले हैं यहाँ पे सारे। हाँ। आप तीन सौ रुपये मसाला कैसे रखते हैं? कम ही रखें, ज़्यादा नहीं डालना, टेस्ट तो नहीं करना था, मतलब अच्छा मसाला। मसाला कैसे भर के रखा, लड़कियाँ बहुत डालती खुद बात है, फिर इसलिए उन्होंने आगे रख दिया कि मांगो नहीं, मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक डाले। दे आर सो कॉपरेटिव। ऐसा डिफेंस में भी नहीं मुझे ब्लॉग बनाने का, नहीं मुझे इसीलिए लोकल फूड अच्छा लगता है। तीन है, हम ही नहीं खाते। चलो दे दीजिएगा। ओह सॉरी, भूल गई, कितने सॉरी सॉरी, आप बातें इतनी करते हैं। कटोरी जब देंगी मुझे, अरे अभी दे दे, हम भूल जाएंगे ना, भूल जाएंगे। कितने दिए? 200 के दिए, 100 की है ना, मैं 100 की लेती हूँ। हाँ, नहीं अभी परसों लिए, वो भी आपने कैमरा दिखा दिया ना, इसलिए 20 रुपये पड़ गए। पहले वाले भी ले लूं? नहीं, मैंने 150 की ली थी। दिखाए, शौकी दिखाए इंसान को जो ये रिश्वत कर रहे हैं, वो टैक्स हमारा खा रहे हैं। इकट्ठा कर रही हूँ, फिर हम लोग खाएंगे। चिकन बिरयानी लेते हैं, आलू भी है लेकिन है चिकन। मैं कैसे आऊँ वहाँ पर, बुलाया नहीं था ये ना, चिकन बिरयानी एक प्लेट मुझे प्लेट में ले लें, ज़्यादा आएगी इसमें कम आएगी। पानी की बोतल है, एक पानी है ना मेरे पास, अम्मी को तो ये पी लो, केक भी तो है मेरे पास, तो हम पूरी बोतल है। अब साधन खत्म, पानी की बोतल भी आपकी। मेरे ख्याल से कम लगे, स्पून दे दे, तीन। हाँ बस, कितने बच गए? तीन चम्मच आ रहे हैं उसमें, ये वाली आइसक्रीम आ जाएगी। तो यहाँ पे
पहले खा भी लेते फिर लास्ट में आइसक्रीम की तरफ चले। ओके ये रही आइसक्रीम, सबको दिखाऊंगी। ये किसी को पैसे नहीं दे रही आज, अरे लोग आवाजें लगा रहे हैं। जाओ कितनी बुरी बात है ना। अरे मैं भूल गई। हाँ हाँ कितने कप रखे थे यहाँ के चाहिए, आज हम किसी को पैसे भी दे रहे हैं। क्या बात, दूसरी जगह ये लिए पूरे हाँ हाँ और इनका अच्छा है। मैं खाती हूँ, मतलब रोटी लाती हूँ और ये कभी कबाब। मुझे लगता है पार्ट टू भी चल रहा है, आने वाली है 10 मिनट में। रोल अच्छा है, ये हमें कितने का मिला था? 100 रुपये में। मतलब अच्छी खासी स्नैकिंग हो गई हमारी, खाना मज़ा आया। चल उसका जूस हो गया। नीचे जाऊंगी आपकी वीडियो से, जाने बदल दी। वहाँ की बिरयानी ये भी अच्छी है, वहाँ की यहाँ का सब कुछ अच्छा है। और वहाँ जितना कुछ है ना, मुझे लग रहा है आप सारी जिंदगी ब्लॉग भी बना सकते हैं वहाँ पर। फूड स्ट्रीट है वो पूरी खाने लगी। अच्छा जो ये समोसे हैं ना, इनमें आलू की फिलिंग है और ये हमें 50 रुपये के तकरीबन 8 पड़े। बड़े 50 रुपये में 8 पड़े, बड़ी सस्ती है, बड़ी अच्छी स्नैकिंग। मिक्स तो खाते हैं लोग, बोल रहे मिक्स किया नहीं खा रही है। सब चीज़ें जो हमें मिली है ना, ये पीजी कैंटीन में हमें मिली हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिली हैं। 1000 रुपये का यही पूरा हो गया। अभी हमने आइसक्रीम खानी थी पर टाइम नहीं है, जाना है सबने। फिर मैं हमें विज़िट करवाएंगी अपनी लॉबी में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी अंदर से क्लास वगैरह नहीं देखी, तो ये मुझे कुछ दिखा सकती हैं। तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बुरखा पहन लिया ये बस इसकी निकल जाएगी, वरना मैं क्लासेस अंदर से देखती। जो मेरी ख्वाहिश ऊपर बनाना, मेरी ऊपर से बनाऊँ नफ्सियाती ना समझ आ जाए इनू, तो खाली पढ़ दी पी है इसके डिपार्टमेंट चलते हैं। क्योंकि मैं दिखा देती हूँ, शौक से दिखाती हूँ। ना इसको कोई पागल समझे, ना इसको नफ्सियाती समझे, इसे पढ़ाई कर रही। पहली बार यूनिवर्सिटी की क्लास देख सकती हूँ। टाइम पे कॉलेज टाइम पे जो बैठ के हम लोग क्लास बंकिंग और दोस्ती होती थी, तो जैसे जैसे पैसे आना शुरू हुए वैसे वैसे बाकी सब साइड होते थे। भैया रह गई अपने अपने पे बैठे हुए, हम तो फ्रेंड्स अभी तो लाइफ हो रही नहीं ना, हमारी दोस्त हाल फेयरली काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में मतलब आ रहे हैं तो एवरीथिंग इज स्पेशल फॉर मी। काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है, अलग माहौल है, क्योंकि जॉब का माहौल एक अलग होता है और यहाँ का माहौल एक डिफरेंट है। हर इंसान अपनी अपनी चिल पार्टी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, अपनी गैदरिंग है, हर चीज़ मतलब फ्रेंड्स वगैरह। यहाँ की लाइफ आपको पता है, कॉलेज स्कूल और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की लाइफ डिफरेंट होती है, और उसके अलावा जॉब की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिज़नेस की लाइफ अलग डिफरेंट होती है, वो लाइफ बहुत ही चेंज होती है। ये बहुत चेंज है यहाँ पर दोस्ताना माहौल, और हर इंसान कोई भी किसी के साथ वो नहीं चीज़ होती ना कि आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं अगेंस्ट।